दोस्तों अगर आप भी चाहते हो कि भारत सेमीफाइनल मैच जीते तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। दोस्तों आखिरकार सेमीफाइनल मुकाबला जिसका बेसब्री से पूरा भारत इंतजार कर रहा था वो भारतीय महिला टीम और ऑस्ट्रेलिया महिला टीम के बीच अब खेला जा रहा है। आखिरकार मुकाबले में स्मृति मानधना सहवाली वर्मा की बदौलत टीम इंडिया का स्कोर कहाँ पहुँच गया है, क्या चल रही है लाइव अपडेट सब आपको वीडियो में दिखाने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है कि भारत और ऑस्ट्रेलिया में से कौन सी टीम सेमीफाइनल जीतेगी? अपनी कीमती राय हमें नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। तो चलिए अब शुरू करते हैं वीडियो। दोस्तों जैसा कि आप सभी तो जानते हैं कि महिला T20 वर्ल्ड कप के पहले सेमीफाइनल में भारत और ऑस्ट्रेलिया की टीमें अब आमने सामने है, जहां इस मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया को भले ही फेवरेट माना जा रहा हो लेकिन भारतीय टीम भी उसे यहां चुनौती देकर हैरान करने के लिए तैयार है। हालांकि दोस्तों भारत पिछले T20 वर्ल्ड कप का उप विजेता है और तब से उसे ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ही खिताबी मुकाबले में हार का मुंह देखना पड़ा था और इस बार हरमनप्रीत कौर की कप्तानी वाली भारतीय टीम इस हार का बदला लेने को भी बेकरार है और स्मृति मानधना सैफाली वर्मा की तूफानी बल्लेबाजी के आगे अब ऑस्ट्रेलिया की टीम की एक नहीं चलने वाली। और आप सभी तो जानते ही हो कि भारत की टीम ने कई बार ऑस्ट्रेलिया को हराया है, लेकिन ये भी नहीं भुलाया जा सकता कि T20 वर्ल्ड कप जैसे बड़े टूर्नामेंट में भारत को हमेशा हार का मुंह ही देखना पड़ा है। हालांकि दोस्तों अगर आप भी भारतीय महिला टीम और ऑस्ट्रेलिया महिला टीम के बीच ICC T20 वर्ल्ड कप का यह रोमांचक मुकाबला लाइव अपनी टेलीविजन पर देखना चाहते हो तो साउथ अफ्रीका के केप टाउन के न्यूलैंड से आप सभी स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क्स पर इस मुकाबले का आनंद ले सकते हो। और अगर आपको मुकाबले की ऑनलाइन स्ट्रीमिंग देखनी है तो वो हॉटस्टार ऐप पर दिखाई जा रही है। वहीं बात करें अगर मैच के बारे में तो दोस्तों अब तक दोनों टीमों के बीच कुल मिलाकर 29 बार T20 मुकाबले खेले गए हैं और दोस्तों 29 में से भारत की टीम ने मात्र 7 मैचों में जीत हासिल की है और 22 बार तो ऑस्ट्रेलिया महिला टीम की जीत हुई है। लेकिन दोस्तों ये जो टीम थी भारत की ये उस समय काफी कमजोर टीमों में से एक मानी जाती थी, लेकिन अब ये जो भारत की टीम है वो ऑस्ट्रेलिया जैसी टीमों को हराने का भी दमखम रखती है, क्योंकि यहाँ पर स्मृति मानधना अपनी फॉर्म में वापस लौट आई हैं और पिछले 3 मुकाबलों पर अगर रोशनी डाली जाए तो वहाँ स्मृति मानधना के बल्ले से खूब रन निकलते हुए नजर आए हैं। और अब सैफाली वर्मा, ऋचा घोष, हरमनप्रीत कौर जैसे बल्लेबाज भी कभी भी मुकाबले को पलटने के लिए जाने जाते हैं, इसीलिए मैच एकदम हाई वोल्टेज होगा और रोमांच की सारी हदें इस मुकाबले में पार होंगी। वहीं अगर बात करें प्लेइंग 11 टीमों के बारे में तो दोस्तों जो आप सभी को भारत की प्लेइंग 11 टीम नजर आने वाली है उसमें ओपनिंग एक बार फिर से स्मृति मानधना और सैफाली वर्मा करने जा रही हैं। वहीं मध्यम क्रम में फिर जमायमा रॉड्रिग्स शामिल होंगी टीम इंडिया की तरफ से, हरमनप्रीत कौर को मौका मिलेगा, ऋचा घोष टीम का हिस्सा रहने वाली है। वहीं ऑलराउंडर में भूमिका दीप्ति शर्मा के हाथों में होगी, पूजा वस्त्रकार टीम इंडिया का हिस्सा रहने वाली है और गेंदबाजी में राधा यादव, शिखा पांडे, राजेश्वरी गायकवाड़ और रेणुका सिंह हम सभी को खेलते हुए नजर आएंगी। तो दोस्तों ये तो होगी भारतीय महिला टीम। वहीं बात करें अगर ऑस्ट्रेलिया महिला टीम के बारे में तो ऑस्ट्रेलिया की तरफ से जो सेमीफाइनल मैच में टीम खेलती हुई नजर आएगी उसमें पारी की शुरुआत बेथ मूनी और एलिस पेरी करेंगी, तो वहीं फिर मध्यम क्रम में मैग लैनिंग, एशले गार्डनर, तालिया मैकग्राथ और ग्रेस हैरिस शामिल होंगी। और वहीं बात करें अगर गेंदबाजी की तो गेंदबाजी में जॉर्जिया वेयरहम, एनाबेल सदरलैंड, मेगन शूट और डार्सी ब्राउन हम सभी को खेलते हुए दिखाई देंगे। तो दोस्तों यही होगी भारत और ऑस्ट्रेलिया महिला टीम है। बाकी अब आप सभी की